आज के सेशन में हम लोग इस रेडॉक्स रिएक्शन का एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर की मेथड से बैलेंस करना सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, तो हर एक स्टेप को आप ध्यान से देख लीजिए। हम कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे कि इसे कैसे बैलेंस किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले इसका सभी का ऑक्सीजन स्टेट लिख लीजिए। इस क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट होगा 6 और इसका 3 होगा। अब यहाँ दो क्रोमियम, यहाँ एक क्रोमियम, तो इसको 2 से लिखना होगा। इसको मार्क भी कर लीजिए। तो ये देखेंगे प्लस 6 से प्लस 3 की तरफ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। तो इसको आप आर लिख लीजिए, राइट। अब से मेरे कार्बन पर, ये कार्बन पर अगर देखेंगे तो इस कार्बन का जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो कितना होगा, सो 8 - 6/2, ये होगा प्लस 3 होगा, और यहाँ होगा आपका प्लस 4 होगा। तो ये भी इसको मार्क कर लीजिए। तो ये प्लस 3 से प्लस 4 पे जा रहा है, तो प्लस 3 से प्लस 4 का मतलब हो गया इसकी ऑक्सीजन इसमें हो रहा है स्टेप्स। अब हमें लिखना है एक्सचेंज इन योर ऑक्सीजन नंबर। तो 6 - 3, यहाँ पर दो कार्बन, इसको मेरे कार्बन को ही बैलेंस कर लीजिए। 6 - 3 तो चेंज ऑक्सीजन नंबर 3 हो गया, 3 हो जाएगा। और दो क्रोमियम के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो 3 - 2 × 2, ये हो गया 6। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 - 3 कीजिए, हायर माइनस लोअर कीजिए, हमेशा हायर माइनस लोअर कीजिए। तो 4 - 3 कितना हो गया 1, और इंटू नंबर ऑफ आइटम्स भी कितना हो गया 2। अब ये चेंज ऑक्सीजन नंबर अनबैलेंस्ड है, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना। इसका फायदा क्या होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को आपको एज ए कॉफिशेंट यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये जो 2 है उसको कट करके यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। अब देखिए कार्बन ही बैलेंस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल क्रोमियम ही बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस केस में हमें अदर एटम्स को बैलेंस करना जरूरी है। अदर एटम्स का मतलब एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इस केस में क्रोमियम कार्बन के अलावा कोई भी अदर एटम नहीं है, तो हम सीधे ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे। तो ऑक्सीजन पर आप देखेंगे अटैक करने का मतलब है कि यहाँ पर काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन कितना यहाँ पर है 7 है, और इस केस में ऑक्सीजन कितना है 12 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इतने सारे ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है तो आप देखेंगे यहाँ पर 12 है, मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वाटर लिखेंगे 7H2O। अब देखिए वाटर लिखेंगे तो 12 + 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल 19 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 14, तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे 14H+, राइट। अब ये इक्वेशन हमें पूरी तरह से बैलेंस हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें कैसे बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन नंबर की हेल्प से। तो पहले यहाँ ये कॉपर +2 है, यहाँ कॉपर +1 है, तो इसको पहले एरो लगा दीजिए। एरो लगा देंगे तो ये +2 से +1, ये आप डेफिनेटली ये रिडक्शन हो रहा है, आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर SO2 + 4 है, यहाँ पर SO2 सल्फेट है वो +6 है। तो अब देखिए एक सल्फर है, तो इसको आप देख सकते हैं ये रिडक्शन का फिनोमेना यहाँ पर, नहीं ये ऑक्सीडेशन का फिनोमेना यहाँ पर, क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। चेंज देखिए, 1 कॉपर चेंज कितना होगा, हायर माइनस लोअर, तो ये हो गया 1, और यहाँ पर आप देख सकते हो 6 - 4, तो ये हो गया चेंज 2। तो अब इसको इक्वेट करना है, तो डेफिनेटली इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमें इसके कॉफिशेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ 2 लिखिए, और इसी 2 को यहाँ पर 2 लिखिए। अब दोनों कॉपर के जो आयन्स हैं वो बैलेंस्ड हो गए इन अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो और नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो। अब अदर आइटम फाइंड आउट करेंगे, तो कॉपर और सल्फर के अलावा कोई भी अदर आइटम नहीं है एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो हम इस डायरेक्टली ऑक्सीजन पर फिर से अटैक करेंगे। यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4 है, यहाँ कितने ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 4 है 2 है, तो हमें कितना वाटर लेंगे, तो डेफिनेटली हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 + 2 = 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट साइड में हम यूज करेंगे 4H+। अब ये हमारा इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस अनदर रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो प्लीज बी केयरफुल, ये आयोडीन एलिमेंट है। सो एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर 0 नंबर असाइन करेंगे। क्रोमियम तो +6 हमें पहले से पता है, यहाँ +3 है, यहाँ पर आयोडीन होगा 6 - 1 + 5 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, 2 क्रोमियम है, 1 क्रोमियम है, तो पहले क्रोमियम को बैलेंस कर लीजिए। 2 आयोडीन है, 1 आयोडीन, इसको बैलेंस कर लीजिए। पर बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होगा ताकि सो दैट यू कैन राइट देयर चेंज इन ऑक्सीजन नंबर। चलिए इसको फिर एरो लगा के इसको जो क्लियर कर लेते हैं।
कितना कौन रिडक्शन और कौन ऑक्सीडेशन है। 0 से प्लस 5 है डेफिनेटली ये आप ऑक्सीडेशन कह देंगे, प्लस 6 से प्लस 3 घट रहा है ये डिक्रीज हो रहा है ये रिडक्शन हो गया हमारा। अब चेंज इन ऑक्सीजन नंबर तो 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दो आइटम से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली 5 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए देन हायर माइनस लोअर एंड देन मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो 5 माइनस 0 इंटू 2 तो ये हो गया हमारे पास 10। तो ऊपर देख रहे हो ये एक 6 है और ये 5 है, 10 है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, इसका एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा 3 और ये मिलेगा 5, तो 30-30 हो गया है कि नहीं। तो 30-30 हो गया तो ये 5 को इसके कोएफिशिएंट की तरह इस्तेमाल करना है, तो 5 का मतलब हो गया इसको 2 कट कीजिए, यहाँ पर 10 लिखिए और यहाँ पर 5 लिखिए, तो अब दोनों 10-10 हो गए। ठीक है, आप देख सकते हो ये 10 क्रोमियम है, 10 क्रोमियम है। 3 लिखने का मतलब अब 3 यहाँ लिखिए तो ये 6 हो गया और 2 को कट करके यहाँ पर 6 कर दिया। अब देखिए आयोडीन बैलेंस हो गया और क्रोमियम भी बैलेंस हो गया। अब आफ्टर जो रेडॉक्स आइटम्स है उसके बाद हम अदर आइटम्स फाइंड आउट करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज पर द प्रीवियस रूल। तो यहाँ पर अदर आइटम्स एबसेंट है इट इज वेरी लक, तो हम सीधे ऑक्सीजन पर अटैक करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है तो 7 × 5 ऑक्सीजन देखेंगे तो टोटल 35 है और यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो 6 × 3 ऑक्सीजन टोटल 18 है। तो डिफरेंस कितना हो गया तो 35 − 18 तो आप फाइंड आउट करेंगे 17 का डिफरेंस है। तो 17 ऑक्सीजन किधर ऐड करना होगा, डेफिशिएंट साइड में आपको इधर ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 17 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन कितना चाहिए तो हाइड्रोजन का डेफिनेट डबल चाहिए तो ये होगा हमारे पास 34H+। अब ये पूरा इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। आई होप दैट बाई सीइंग द प्रीवियस इक्वेशंस यू माइट हैव गॉट सम कॉन्फिडेंस टू बैलेंस द इक्वेशंस। लेट अस बैलेंस दिस इक्वेशंस इन एसिडिक मीडियम बाय ऑक्सीजन नंबर मेथड। तो ये एक एलिमेंट है, गोल्ड इज एन एलिमेंट, सो इस ऑक्सीजन नंबर स्टेट विल बी 0। नाइट्रेट है डायरेक्टली प्लस 5 है, सीएल माइनस 1 है, यहाँ सीएल तो सीएल में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बट गोल्ड में आप देख सकते हो गोल्ड में ये प्लस 3 होगा, इसको प्लस 3 कर लीजिए। ये NO2 है तो यहाँ पर प्लस 4 होगा। अब हमें देखना है कि किसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो अब यहाँ से गोल्ड को अटैच कीजिए और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से मार्क कीजिए ऊपर में एरो लगा के, ये बार लगा के। तो यहाँ 0 से प्लस 3 है तो इसको आप कह सकते हो ये ऑक्सीजन नंबर हो रहा है, जबकि यहाँ प्लस 5 से प्लस 4 है तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये रिडॉक्स रिएक्शन से, वन गोल्ड है तो ये तो एटम्स तो बैलेंस हो गया है। तो अब हायर मास लोअर इंटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर आइटम्स तो 1 ही है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 5 − 4 तो 5 − 4 1 हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स कितना 1 ही है तो इसमें हमें 1 लिखना होगा, ये अनबैलेंस्ड है। तो डेफिनेटली इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 लिखने का मतलब है कि इसका जो कॉफिशेंट होगा वो 3 होगा, इसका कॉफिशेंट 3 होगा। तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया और एंड गोल्ड भी। अब अदर आइटम बैलेंस करना, अदर आइटम्स यहाँ पर हमारे पास सीएल दिख रहा है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ सीएल 1 है, यहाँ पर सीएल 4 है, तो इसे हम डायरेक्टली बैलेंस करेंगे। डायरेक्टली का मतलब है इसको देखिए कितने सीएल, हमने साफ लिख दिया 4 CL, अब सीएल ही बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट अटैक हमारा ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ पर देखेंगे 9 ऑक्सीजन है, जबकि ऑक्सीजन दिस साइड कितना है तो 3 × 2 = 6 है। वाटर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वाटर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ 9 है 6 है तो हमें 3 वाटर ऐड करना होगा, इसलिए हमें वाटर मैंने ऐड नहीं किया था, 3 वाटर कर दिया। अब नाउ ये भी बैलेंस हो गया, तो टोटल हो गया 9 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 नहीं है तो यहाँ पर हमें 6H+ लिखना होगा। अब ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इस रेडॉक्स रिएक्शन को पहले देखेंगे। प्लस 2 असाइन देयर ऑक्सीजन स्टेट, ये कॉपर हो गया प्लस 1, यहाँ 2 क्रोम ये 2 कॉपर है, यहाँ प्लस 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन तो ऑलरेडी प्लस 5 को नाइट्रेट के लिए प्लस 5 होता है, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। अब इसके बाद बैलेंस कीजिए नंबर आइटम्स के, 2 कॉपर है तो यहाँ पर 2 लिखिए, नाइट्रोजन तो बैलेंस है ही। अब इसको इस बार से जोड़ दीजिए, प्लस 1 से प्लस 2 है तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। 2 कॉपर है तो चेंज इन होगा हमारे पास 2 − 1 नंबर ऑफ आइटम्स, तो 2 − 1 तो 1 होगा और नंबर ऑफ आइटम्स ये हो गया 2, तो 1 × 2 यहाँ पर 2 लिखिए। अब उसके बाद यहाँ यूज़ कीजिए ये एक आइटम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 × 2 5 − 2 तो हो गया 3 और 3 × 1 3। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब आपको पता है आगे क्या करना है, 3 लिखने का मतलब है हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और इस 2 को कट करके यहाँ 6 लिखेंगे, तो कॉपर बैलेंस हो गया। अब 2 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर
यहाँ टू लिखेंगे और यहाँ पर टू लिखेंगे। अब कॉपर और नाइट्रोजन दोनों इस तरह से बैलेंस है, छः क्या होगा उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो गया, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन में छः इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज मतलब डोनेशन और लॉस और गेन हो रहा है। अब हम देखें यहाँ पर अदर आइटम्स तो नहीं है कॉपर नाइट्रोजन के अलावा, तो सीधा ऑक्सीजन पर अटैक करेंगे। तो इस तरह ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर थ्री इन है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है थ्री इंटू टू सिक्स, में टोटल नाइन ऑक्सीजन है। इस केस में ऑक्सीजन कितना है टू है, तो यहाँ पर नाइन है टू है तो हमें कितना वाटर चाहिए, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमें सेवन वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन कितनी चाहिए, हाइड्रोजन इस तरफ नहीं है तो यहाँ पर टोटल फोर्टीन हाइड्रोजन हमें चाहिए और ये इक्वेशन नाउ पूरी तरह से बैलेंस है। लेट अस बैलेंस दिस इक्वेशन बाय ऑक्सीजन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ सल्फर कितना हो जाएगा, तो सल्फर हो जाएगा आपका सिक्स माइनस टू फोर बाई टू, ये प्लस टू के स्टेट में यार आप चेक कर लीजिए। टेन बाई टू ये हो गया हमारा प्लस फाइव, और यहाँ पर एंटीमनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस टू हो गया, ऑक्सीजन माइनस टू है। ये सल्फर कितना होगा, सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस टू ये हो गया प्लस फोर, आप चेक कर लीजिए प्लस फोर होगा। अब सबके ऊपर में अब एटम को भी बैलेंस करना है और चेंज इन ऑक्सीजन नंबर भी लिखना है, तो सल्फर को सल्फर के साथ लिखना पड़ेगा, तो सल्फर को सल्फर के साथ कर दीजिए और एंटीमनी को एंटीमनी के साथ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ दो एंटीमनी थे, हम दो तो लिखना पड़ेगा, दो सल्फर, यहाँ भी दोस्तों सल्फर बैलेंस हो गया। अब चेंज इन ऑक्सीजन नंबर लिख लीजिए, ऑक्सीजन नंबर हो गया ऑक्सीजन स्टेट एक सल्फर का होता है, ऑक्सीजन नंबर हमें टोटल लेना पड़ता है तो हमें ऑक्सीजन नंबर लिखना होगा। तो यहाँ फोर है तो फोर माइनस टू, अब ये तो आपका फाइव से टू जा रहा है तो ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। फोर माइनस टू तो ये हो गया टू, एंड नंबर ऑफ आइटम्स टू तो ये हो गया फोर, तो टोटल ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा हमारा फोर। अब इसके साथ फाइव माइनस टू थ्री, और थ्री नंबर ऑफ आइटम्स तो ये हो गया सिक्स। ये भूलिएगा नहीं इस तरह से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ईच स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द रिएक्शंस। अब फोर है तो इसको हमें तीन से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको हमें दो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो एलसीएम आ जाएगा इसका ट्वेल्व ट्वेल्व। थ्री है, थ्री क्या करना होगा, थ्री को हमें यहाँ लिखना होगा, और थ्री लिखने का मतलब इसको टू कट कीजिए, यहाँ सिक्स सल्फर बैलेंस में है, टू लिखने का मतलब हमें टू यहाँ लिखिए, इस टू को कट कीजिए, यहाँ फोर लिखिए। अब ये सल्फर एंटीमनी अपने बैलेंस फॉर्म में है। अब क्या करना है, अब अदर आइटम को बैलेंस करना है, अदर आइटम का मतलब एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर एबसेंट है तो हम सीधा लेंगे डायरेक्टली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो, यहाँ पर नाइन है, यहाँ कितना होगा टेन है, तो टोटल हो गया नाइनटीन। देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन फोर होगा और सिक्स इंटू थ्री एटीन होगा, मतलब टोटल हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व हो गया, तो नाइनटीन टू, यानी थ्री इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर तीन वाटर मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा, तो नाइनटीन प्लस थ्री कितना हो गया ट्वेंटी टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्वेंटी टू है, यहाँ पर नाइनटीन है, तो उसमें तीन वाटर से इसे इधर बैलेंस करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, सिक्स हाइड्रोजन, यहाँ पर ट्वेल्व हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है तो हमें हाइड्रोजन भी इधर ही ऐड करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी सिक्स तो बैलेंस है ही, तो हमें सिक्स हाइड्रोजन और चाहिए। अब ये पूरा इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। सो दिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, सो द इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्रोमेट एंड एसिटिक मीडियम कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड एंड सीआर थ्री प्लस को बैलेंस करने जा रहे हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट जानना होगा। अब ये कार्बन एक्चुअली इस फॉर्म में, ये बेंजीन, ये कार्बन अटैच विद द बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग, सो ये सी आर ये इस तरह से, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, तो ये यहाँ पर दो बॉन्ड है तो यहाँ माइनस टू, यहाँ प्लस टू हो जाएगा, और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए प्लस वन और माइनस वन, तो टोटल चार्ज पर कितना आएगा प्लस वन। यहाँ भी सेम पोजिशन है लेकिन हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इस केस में अगर हमने कहा फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे निकलेगा, जैसे कि ये सी ओ है और ये ओ इधर कार्बन है, तो इसके लिए माइनस वन यहाँ प्लस वन और यहाँ पर माइनस टू, यहाँ पर प्लस टू, टोटल चार्ज थ्री यहाँ पे आएगा। आप देख सकते हो यहाँ प्लस वन से प्लस थ्री है और यहाँ पर तो प्लस सिक्स होगा, राइट, और यहाँ पर प्लस थ्री है, दो क्रोमियम, इसको दो क्रोमियम लिख लीजिए और उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, तो ये आप देख सकते हैं प्लस सिक्स से प्लस थ्री है तो ये डेफिनेटली रिडक्शन हो जाएगा, और प्लस वन से प्लस थ्री है तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आई होप दैट यू आर फॉलोइंग मी। अब देखिए सिक्स सी से यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का तो पहले ही बैलेंस में है तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा हायर ऑक्सीजन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीजन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हो गया दो, थ्री माइनस वन टू हो गया। अब यहाँ से सिक्स माइनस थ्री कीजिए थ्री हो गया, और नंबर ऑफ क्रोमियम कितना हो गया दो, तो सिक्स माइनस थ्री थ्री इंटू टू ये हो गया सिक्स। अब यहाँ पर तीन लिखना पड़ेगा टू बैलेंस दिस सिक्स, तीन का मतलब यहाँ थ्री लिखिए और यहाँ पर थ्री लिखिए,
अब ये बैलेंस है, तो कार्बन भी बैलेंस है और क्रोमियम भी, दोनों अपने अपने बैलेंस पोजिशन पर हैं। अब अदर आइटम्स जाएंगे, अदर आइटम्स तो यहाँ पर है नहीं, तो सीधे ऑक्सीजन पर अटैक करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कहाँ पर यहाँ कितना है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ इनके पास में एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ पर सेवन, यानी कि टोटल हो गया एट। और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ वन नहीं होगा, यहाँ एक मतलब तीन, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन होगा, मतलब ये हो गया टेन ऑक्सीजन, राइट, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए दो ऑक्सीजन है और तीन है, यानी कि ये सिक्स ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ टेन है और यहाँ पर सिक्स है, तो ये इधर आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो वाटर ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखिए फोर एच टू ओ, तो ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन के लिए तो ये तो तीन हाइड्रोजन यहाँ, तीन हाइड्रोजन यहाँ तो बैलेंस है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट हाइड्रोजन, तो यहाँ लिखिए प्लस एट एच प्लस। नाउ दिस होल इक्वेशन इज फुल्ली बैलेंस्ड। सो दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन, सो विल अगेन बैलेंस इन बाई ऑक्सीजन नंबर मेथड। दिस इज एन एसिडिक मीडियम, यू कैन सी द H2SO4 इज एसिड, सो वी कैन इजिली बैलेंस इट। नो फर्स्ट लेट अस असाइन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ईच आइटम, दिस इज प्लस सेवन एंड सल्फेट इज अगेन इक्वल, सो वी टेक द Cl, Cl इज माइनस वन एंड हियर इज Cl इज जीरो, राइट, बिकॉज इट इज एन एलिमेंट एंड मैग्नीज प्लस टू एंड पोटास सल्फेट दे वॉन्ट चेंज, राइट। सो जस्ट मार्क विद एरो लाइक Mn2, नेक्स्ट Mn इज दिस वन एंड Cl2 दिस Cl, नाउ वी कैन सी सेवन एंड वन, दिस वन मैगनीज, वन मैगनीज, तो सेवन माइनस टू, सो विल राइट हियर ऑक्सीजन नंबर इज फाइव, चेंज विल फाइव एंड दिस वन Cl, टू Cl, फर्स्ट यू बैलेंस द Cl, राइट। नाउ राइट द चेंज इन ऑक्सीजन नंबर, सो टू Cl, सो इट विल बी जीरो बिकॉज दिस इज हायर एंड वन, फर्स्ट यू एंड दिस इज योर रिडक्शन, राइट, and this is oxidation, so don't forget to write this, this is a reduction oxidation reaction. Now 0 minus minus 1 multiplied by 2 because there are 2 Cl, so 0 minus 1 is change will be 1, for 1 Cl, for 2 Cl it will be 2. Now you have to multiply it by 5 and this you have to multiply it by 2, right, so 2 and 5 you have multiplied, 2 means you know very well, so put coefficient to this side and put substitute coefficient this side too, and 5 is definitely so 5 means this 2 you cut it right here 10 and 5 is right here 5, so 10 Cl is balanced. Now after that just balance the other atom except oxygen hydrogen, so we can see other atoms is we have sulfate and one potassium, so how many potassium there, so 10 plus 2 12 potassiums are there, so we will mark here 6, now potassium also balanced. Now next we have to balance the sulfate, so sulfate will be how much, so sulfate we can see here 6 sulfates, 2 sulfates, 8 sulfates, so right here 8 sulfate, now sulfate is also balanced. Now we'll go directly oxygen. We will not count this oxygen because already we have taken in sulfate. So I am not counting oxygen. We'll count oxygen this one only. So this oxygen is how much? So we have 8 oxygen, 4 into 8. Now all sulfate is balanced. So there is no oxygen. So 8 oxygen means we have to use how much water? 8 water. Now oxygen also balanced. Now next is hydrogen. Hydrogen is total hydrogen is 16 and here is also 16. So now this equation is fully balanced. I hope you have understood this whole process and you can get good marks in the redox reaction in acidic medium. So we'll go for basic mediums in another lecture. Thank you very much.